फ्रेंड्स, रात को ये दाल बची हुई रात वाली, और इसकी मैं एक अच्छी रेसिपी बनाने वाली हूँ दोबारा से। और रात को हमने खाना ही नहीं खाया क्योंकि राजीव जल्दी नहीं आया, और ये खाना बाहर से खा के आया था। और फिर मैं अब बना लेती हूँ एक अच्छी सी रेसिपी, आपके साथ शेयर करती हूँ। एक कटोरी ले लेंगे और उसमें हम एक कटोरी भर के हम दाल को ऐसे डाल के नाप के इस बाउल में डाल देंगे। ठीक है जी, अब एक कटोरी डाल दूंगी मैं इसमें ये सूजी का। ठीक है जी, अब ये मैंने ये वाली कटोरी मैंने फुल नहीं की हुई, थोड़ी सी कम रखी हुई, ये डाल दूंगी दही। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये सोडा खाने वाला। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा एक कटोरी पानी में डाल देंगे। अब हमें इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे रख देना है ताकि, और 15-20 मिनट बाद हम महीन सा होना चाहिए, बिल्कुल मुलायम सा, जैसे मलाई होती है मक्खन होता है वैसे होना चाहिए। और अब मैं इसको ऐसे रख देती हूँ और 15 मिनट बाद बनाते हैं एक नई रेसिपी।
मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं ऐसे ऐसे ही बना रही हूँ। और आप अगर आपको मुलायम पसंद है तो आप कम आंच पे ज़्यादा देर तक ना पकाएं। आप इसको मीडियम आंच पे पकाएं, मीडियम आंच पे ये बहुत ही क्रंची क्रंची जैसे बनेगा और ज़्यादा तेज आंच ना करें, मीडियम आंच पे इसको बनाएं। इसको आप मीडियम आंच पे बनाएं और ज़्यादा तेज आंच ना करें, और जब आप कम आंच पे पकाएंगे तो बिल्कुल क्रंची क्रंची सा बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा ये खाने के लिए। कैसा लगा खाने में? बढ़िया है। बढ़िया कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छे से भी ज़्यादा बहुत अच्छा है। सच में झूठ ना बोलियो, सच बता दे। कैसे बनाया है बता? दाल से। दाल से ना, रात के दाल से है ना, वो जो तू नहीं आया था ना तब बनाइए जल्दी है ना। इसको आपने हमेशा कम आंच पे बनाना है और अगर आप तेज आंच करेंगे तो तवा, ये तवा बहुत गर्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो रेसिपी मैंने बनाई है अभी, उसमें आप मतलब पनीर भी डाल सकते हैं अंदर, और आलू का आलू भी आप उबाले हुए और जैसे आप परांठे के लिए डालते हैं वो भी डाल सकते हैं।
और मैंने तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। हम पहाड़ी चटनी के साथ मैंने खाई है और राजीव ने घी के लिए मैंने इसको बोला था घी नहीं, पर इसने ऐसे ही खाया इसको, ये चुरके चुरके सा मतलब क्रंची क्रंची से इसको बड़े टेस्टी लगे। क्यों राजीव है, टेस्टी था ना, बहुत अच्छे से सभी खा सकते हैं इसको, है ना।